वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। जाह्नवी, जैनेन्द्र कुमार, आज तीसरा रोज है, तीसरा नहीं चौथा रोज है। वह इतवार की छुट्टी का दिन था। सवेरे उठा और कमरे से बाहर की ओर झांका तो देखता हूँ, मोहल्ले के एक मकान की छत पर काँव काँव करते हुए कौ से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है। खड़ी खड़ी बुला रही है, कौ आओ कौ आओ। कौए बहुत काफी आ चुके हैं, पर और भी आते जाते हैं। वे छत की मुंडेर पर बैठ अधीरता से पंख हिला हिलाकर बेहद शोर मचा रहे हैं। फिर भी उन कौओं की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा नहीं है, बुला ही रही है, कौ आओ कौ आओ। देखते देखते छत की मुंडेर कौओं से बिल्कुल काली पड़ गई। उनमें से कुछ अब उड़कर उसकी धोती से जा टकराने लगे। कौओं के खूब आ गिरने पर लड़की मानो उन आमंत्रित अतिथियों के प्रति गाने लगी, कागा चुन चुन खायो। गाने के साथ उसने अपने हाथ की रो टियों में से तोड़ तोड़कर नन्हे नन्हे टुकड़े भी चारों ओर फेंकने शुरू किए। गाती जाती थी, कागा चुन चुन खायो, वह मग्न मालूम होती थी और अनायास उसकी देह थिरक कर नाच सी जाती थी। कौए चुन चुन खा रहे थे और वह गा रही थी, कागा चुन चुन खायो। आगे वह क्या गाती है, कौओं की कांव कांव और उनके पंखों की फड़फड़ाहट के मारे साफ सुनाई न दिया। कौए लपक लपक कर मानो छूटने से पहले उसके हाथों से टुकड़ा छीन ले रहे थे। वे लड़की के चारों ओर ऐसे छा रहे थे मानो वे प्रेम से उसको ही खाने को उद्यत हों। और लड़की कभी इधर कभी उधर झुककर घूमती हुई ऐसे लीन भाव से गा रही थी कि जाने क्या मिल रहा हो। रोटी समाप्त होने लगी, कौए भी या हंस समझ गए। जब अंतिम टुकड़ा हाथ में रह गया तो वह गाती हुई उस टुकड़े को हाथ में फहराती हुई जोर से दो तीन चक्कर लगा उठी। फिर उसने वह टुकड़ा ऊपर आसमान की ओर फेंका, कौओ खाओ कौओ खाओ। और बहुत से कौए एक ही साथ उड़कर उसे लपकने झपटे। उस समय उन्हें देखती हुई लड़की मानो आनंद में चीखती हुई आवाज में गा उठी, दो नैना मत खायो मत खायो, पियो मिलन की आस। रोटियां खत्म हो गई, कौए उड़ चले। लड़की एक एक कर उनको उड़कर जाता हुआ देखने लगी। पल भर में छत कोरी हो गई। अब वह आसमान के नीचे अकेली अपनी छत पर खड़ी थी। आसपास बहुत से मकानों की बहुत सी छतें थी, उन पर कोई होगा कोई न होगा, पर लड़की दूर अपने कौओं को उड़ते जाते हुए देखती रह गई। गाना समाप्त हो गया था, धूप अभी फूटी ही थी, आसमान गहरा नीला था, लड़की के ऊंट खुले थे, दृष्टि थिर थी, जाने भूली सी वह क्या देखती रह गई थी। थोड़ी देर बाद उसने मानो जागकर अपने आसपास के जगत को देखा, इसी की राह में क्या मेरी ओर भी देखा, देखा भी हो पर शायद मैं उसे नहीं दिखा था, उसके देखने में सचमुच कुछ दिखता ही था यह मैं कह नहीं सकता, पर कुछ ही पल के अनंतर वह मानो वर्तमान के प्रति वास्तविकता के प्रति चेतन हो आई। तब फिर बिना देर लगाए चट चट उतरती हुई वह नीचे अपने घर में चली गई। मैं अपनी खिड़की में खड़ा खड़ा चाहने लगा कि मैं भी देखूं कि कौए कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं और वे कितनी दूर चले गए हैं, क्या वे कहीं दिखते भी हैं, पर मुश्किल से मुझे दो एक ही कौए दिखे। वे निरर्थक भाव से यहाँ बैठे थे या वहाँ उड़ रहे थे, वे मुझे मूर्ख और घिनौने मालूम हुए। उनकी काली देह और काली चोंच मन को बुरी लगी। मैंने सोचा कि नहीं, अपनी देह मैं कौओं से नहीं नुचवाऊंगा, छह खून गुनकर इन्हीं के खाने के लिए क्या मेरी देह है, मेरी देह और कौए, छी। जान पड़ता है खड़े खड़े मुझे काफी समय खिड़की पर ही हो गया, क्योंकि इस बार देखा कि ढेर के ढेर कपड़े कंधे पर लादे वही लड़की फिर उसी छत पर आ गई है। इस बार वह गाती नहीं है, वहां पड़ी एक खाट पर उन कपड़ों को पटक देती है और उन कपड़ों में से एक एक को चुनकर फाटक कर वही छत पर फैला देती है। छोटे बड़े उन कपड़ों की गिनती काफी रही होगी, वे उठाए जाते रहे, फटके जाते रहे, फैलाए जाते रहे, पर उनका अंत ही आता न दिखा। आखिर जब खत्म हो गए तो लड़की ने सिर पर आ ये हुए धोती के पल्ले को पीछे किया, उसने एक अंगड़ाई ली, फिर सिर को जोर से हिलाकर अनबंधे अपने बालों को छिटका लिया और धीमे धीमे वहीं डोलकर उन बालों पर हाथ फेरने लगी। कभी बालों की लट को सामने लाकर देखती, फिर उसी को लापरवाही से पीछे फेंक देती। उसके बाल गहरे काले थे और लंबे थे, मालूम नहीं उसे अपने इस वैभव पर सुख था या दैक था। कुछ देर वह उंगलियां फेर फेर कर अपने बालों को इकट्ठा समेट कर झटपट जूड़ा सा बांध पल्ला सिर पर खींच वह नीचे उतर गई। इसके बाद में खिड़की पर नहीं ठहरा। घर में छोटी साली आई हुई है, इसी शहर के दूसरे भाग में रहती है और ब्याह न करके कॉलेज में पढ़ती है। मैंने कहा, सुनो यहाँ आओ। उसने हंसकर पूछा, यहाँ कहाँ? खिड़की के पास आकर मैंने पूछा, क्यों जी, जाह्नवी का मकान जानती हो? जाह्नवी, क्यों, वह कहाँ है? मैं क्या जानता हूँ कहाँ है, पर देखो वह घर तो उसका नहीं है। उसने कहा, मैंने घर नहीं देखा,
इधर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है। चलो अच्छा है, मैंने कहा और उसे जैसे तैसे टाला, क्योंकि वह पूछने ताछने लगी थी कि क्या काम है, जाह्नवी को मैं क्या और कैसे और क्यों जानता हूँ। सच यह था कि मैं रत्ती भर उसे नहीं जानता था। एक बार अपने ही घर में इसी साली की कृपा और आग्रह पर एक निगाह एक को देखा था। बताया गया था कि वह जाह्नवी है, और मैंने अनायास स्वीकार कर लिया था कि अच्छा, वह जाह्नवी है। उसके बाद की सच्चाई यह है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि उस जाह्नवी का क्या बन गया और क्या नहीं बना। पर किसी सच्चाई को बहनोई के मुंह से सुनकर स्वीकार कर ले तो साली क्या, तिस पर सच्चाई ऐसी की नीरस। पर ज्यों त्यों मैंने टाला। बात बात में मैंने कहना भी चाहा कि ऐसी ही तुम जाह्नवी को जानती हो, ऐसी ही तुम साथ पढ़ती थी कि जरा बात पर कह दो, मालूम नहीं। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और आज बुध भी होकर चुका जा रहा है। चौथा रोज है। हर रोज सवेरे खिड़की पर दिखता है कि कौवे कांव कांव छीन झपट कर रहे हैं और वह लड़की उन्हें रोटी के टुकड़ों के मिस कह रही है। कागा चुन चुन खायो। मुझको नहीं मालूम कि कौए जो कुछ उसका खाएंगे उसे कुछ भी उसकी सोच है। कौ को बुला रही है, कौ आओ कौ आओ, साग्रह कह रही है, कौ आओ कौ आओ। वह खुश है कि कौए आ गए हैं और वे खा रहे हैं। पर एक बात है कि ओ कौ, जो तन चुन चुन कर खा लिया जाएगा उसको खा लेने में मेरी अनुमति है। वह खा खू कर तुम सब निपटा देना। लेकिन ये मेरे भाई कौ, इन दो नैनों को छोड़ देना, इन्हें कहीं मत खा लेना। क्या तुम नहीं जानते कि उन नैनों में एक आस बसी है जो पराए के बस है। वे नैना पियू की वॉट में है। ए कौ, वे मेरे नहीं है, मेरे तन के नहीं है, वे पियू की आस को बनाए रखने के लिए हैं। सो उन्हें छोड़ देना। आज सवेरे भी मैम यह सब कुछ देखा। कौ को रोटी खिलाकर वह उसी तरह नीचे चली गई। फिर छोटे बड़े बहुत से कपड़े धोकर लाई, उसी भांति उन्हें झटक कर फैला दिया, वैसे ही बाल छित्रा कर थोड़ी देर डोली, फिर सहसा ही उन्हें जूड़े में संभाल कर नीचे भाग गई। जाह्नवी को घर में एक बार देखा था। पत्नी ने उसे खास तौर पर देख लेने को कहा था और उसके चले जाने पर पूछा था, क्यों कैसी है। मैंने कहा था, बहुत भली मालूम होती है, सुंदर भी है, पर क्यों, अपने बिरजू के लिए कैसी रहेगी। उद्धरण चिन्ह, बिरजू दूर के रिश्ते मेरा भतीजा होता है, इस साल एम ए में पहुंचा है। मैंने कहा, अरे ब्रजनंदन, वह उसके सामने बच्चा है। पत्नी ने अचरज से कहा, बच्चा है, 22 बरस का तो हुआ, 22 छोड़ 42 का भी हो जाए, देखा नहीं कैसे ठाट से रहता है। यह लड़की देखो कैसी बस सफ़ेद साड़ी पहनती है, बिरजू इसके लायक कहाँ है। यूं भी कह सकती हो कि वह बेचारी लड़की बिरजू के ठाट के लायक नहीं है। बात मेरी कुछ सही कुछ व्यंग्य थी। पत्नी ने उसे कान पर भी न लिया। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि पत्नी जी की कोशिशों से जाह्नवी के माँ बाप से, माँ के द्वारा बाप से काफ़ी आगे तक बढ़कर बा ते कर ली गई हैं। शादी के मौके पर क्या देना होगा, क्या लेना होगा, एक एक कर सभी बातें पेशगी तय होती जा रही हैं। इतने में सारे किए किराए पर पानी फिर गया। जब बात कुल किनारे पर आ गई थी, तभी हुआ क्या का, हमारे ब्रजनंदन के पास एक पत्र आ पहुंचा। उस पत्र के कारण एकदम सब चौपट हो गया। इस रंग में भंग हो जाने पर हमारी पत्नी जी का मन पहले तो गिरकर चूर चूर सा होता जान पड़ा, पर फिर वह उसी पर बड़ी खुश मालूम होने लगी। मैं तो मानो इन मामलों में अनावश्यक प्राणी हूँ ही, कानों कान मुझे खबर तक न हुई, जब हुई तो इस तरह। पत्नी जी एक दिन सामने आ धमकी, बोली, यह तुमने जाह्नवी के बारे में पहले से क्यों नहीं बतलाया। मैंने कहा, जाह्नवी के बारे में मैंने पहले से क्या नहीं बतलाया भाई, यह कि वह कैसी है। मैंने पूछा, ऐसी कैसी। उन्होंने कहा, बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा, अरे यह तो कोई हाईकोर्ट तका जज भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन आखिर जाह्नवी के बारे में मुझे क्या क्या मालूम है, यह तो मालूम हो। श्रीमती जी ने अकृत्रिम आश्चर्य से कहा, बिरजू के पास खत आया है, सो तुमने कुछ नहीं सुना। आजकल की लड़कियां, बस कुछ न पूछो। यह तो चलो भला हुआ कि मामला खुल गया, नहीं तो क्या मामला, कहाँ कैसे खुला और भीतर से क्या कुछ रहस्य बाहर हो पड़ा, सो सब बिना जाने में क्या निवेदित करता। मैंने कहा, कुछ बात साफ भी कहो। उन्होंने कहा, वह लड़की आशनाई में फंसी थी, पढ़ी लिखी सब एक जात की होती हैं। मैंने कहा, सबकी जात बिरादरी एक हो जाए तो बखेड़ा टले, लेकिन असल बात भी तो बताओ। असल बात जा ननी है तो जाकर पूछो उसकी महतारी से, भली समधिन बनने चली थी, वह तो मुझे पहले ही से दाल में काला मालूम होता था, पर देखो न कैसी सीधी भोली बातें करती थी।
वह तो देर क्या थी, सब हो ही चुका था, बस लगन मुहूर्त की बात थी। राम राम, भीतर पेट में कैसी कालिख रखे हैं, मुझे पता न था। चलो आखिर परमात्मा ने इज्जत बचा ली, वह लड़की घर में आ जाती तो मेरा मुंह अब दिखने लायक रहता। मेरी पत्नी का मुख क्यों किस भांति दिखने लायक न रहता, उसे क्या विकृति आ रहती, सो उनकी बातों से समझ में न आया। उनकी बातों में रस कई भांति का मिला, तथ्य न मिला। कुछ देर बाद उन बातों से मैंने तथ्य पाने का यत्न ही छोड़ दिया और चुपचाप पाप पुण्य धर्म अधर्म का विवेचन सुनता रहा। पता लगने पर मालूम हुआ कि ब्रजमोहन के पास खुद लड़की यानी जाह्नवी का पत्र आया था। पत्र मैंने देखा, उस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर वह मेरी लड़की होती तो। मुझे यह अपना सौभाग्य मालूम नहीं हुआ कि जाह्नवी मेरी लड़की नहीं है। उस पत्र की बात कई बार मन में उठी है और घुमरती रह गई है। ऐसे समय चित्त का समाधान उड़ गया है और मैं शून्य भाव से, हमें जो शून्य चारों ओर से ढके हुए है, उसकी ओर देखता रहा गया हूँ। पत्र बड़ा नहीं था, सीधे सादे ढंग से उसमें यह लिखा था कि आप जब विवाह के लिए यहाँ पहुँचेंगे तो मुझे प्रस्तुत भी पाएंगे, लेकिन मेरे चित्त की हालत इससा मैं ठीक नहीं है और विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठान की पात्रता मुझ में नहीं है। एक अनुक्ता आपको विवाह द्वारा मिलनी चाहिए, वह जीवन संगिनी भी हो। यह मैं हूँ या हो सकती हूँ, इसमें मुझे बहुत संदेह है। फिर भी अगर आप चाहें, आपके माता पिता चाहें, तो प्रस्तुत मैं हूँ। विवाह में आप मुझे लेंगे और स्वीकार करेंगे तो मैं अपने को दे ही दूंगी, आपके चरणों की धूली माथे से लगाऊंगी, आपकी कृपा मानूंगी, कृतज्ञ होंगी। पर निवे धन है कि यदि आप मुझ पर से अपनी मांग उठा लेंगे, मुझे छोड़ देंगे तो भी मैं कृतज्ञ होंगी। निर्णय आपके हाथ है, जो चाहे करें। मुझे ब्रजनंदन पर आश्चर्य आकर भी आश्चर्य नहीं होता, उसने दृढ़ता से साथ कह दी। या कि मैं यह शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसने मुझसे अकेले में यह भी कहा कि चाचा जी, मैं और विवाह करूंगा ही नहीं, करूंगा तो उसी से करूंगा। उस पत्र को वह अपने से अलहदा नहीं करता है, और देखता हूं कि उस ब्रजन धन का ठाट बाट आप ही कम होता जा रहा है, सादा रहने लगा है और अपने प्रति सगव बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पहले विजेता बनना चाहता था, अब विन्यावनत दिखता है और आवश्यकता से अधिक बात नहीं करता। एक बार प्रदर्शी नीमे मिल गया, मैं तो देखकर हैरत में रह गया। ब्रजनंदन एकाएक पहचाना भी न जाता था। मैंने कहा, ब्रजनंदन कहो क्या हाल है। उसने प्रणाम करके कहा, अच्छा है। वह मेरे घर पर भी आया, पत्नी ने उसे बहुत प्रे मकिया और बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि ऐसी लड़की से शादी होने से चलो भगवान ने समय पर रक्षा कर दी। जाह्नवी नाम की लड़की की एक एक छिपी बात बिरजू की चाची को मालूम हो गई है। वह बात यूं, कुछ न पूछो बिरजू भैया, मुँह से भगवान किसी की बुराई न करावे। लेकिन फिर कहा, भाई अब बहू के बिना काम कब तक हम चलाएं, तू ही बता। क्यों रे, अपनी चाची को बुढ़ापे में भी तू आराम नहीं देगा, सुनता है कि नहीं। ब्रजनंदन चुपचाप सुनता रहा। पत्नी ने कहा, और यह तुझे क्या हो गया है, अपने चाचा की बातें तुझे भी लग गई हैं क्या, न धन के कपड़े न रीत की बातें, उन्हें तो अच्छे कपड़े लत्ते सोपते नहीं है, तू क्यों ऐसा रहने लगा है रे। ब्रजनंदन ने कहा, कुछ नहीं चाची, और कपड़े घर रखे हैं। अकेले पाकर मैंने भी उससे कहा, ब्रजनंदन बात तो सही है, अब शादी करके काम में लगना चाहिए और घर बसाना चाहिए, है कि नहीं। ब्रजनंदन ने मुझे देखते हुए बड़े बूढ़े की तरह कहा, अभी तो उम्र पड़ी है चाचा जी। मैंने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। अब खिड़की के पार इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को और आज बुधवार को भी सवेरे ही सवेरे छत पर नित रोटी के मी सकों को पुकार पुकार कर बुलाने खिलाने वाली यह जो लड़की देख रहा हूँ, सो क्या जाह्नवी है। जाह्नवी को मैंने एक ही बार देखा है, इसलिए मन को कुछ निश्चय नहीं होता। कद भी इतना ही था, लावण्य शायद उस जाह्नवी में अधिक था, पर यह वह नहीं है, जाह्नवी नहीं है। ऐसी दिलासा मैं मन को तनिक भी नहीं दे पाता हूँ। सवेरे सवेरे इतने कौए बुला लेती है कि खुद दिखती ही नहीं, काले काले वे ही वे दिखते हैं, और वे भी उसके चारों ओर ऐसी छीना झपट सी करते हुए उड़ते रहते हैं, मानो बड़े स्वाद से, बड़े प्रेम से चुंथ चुंथ कर उसे खाने के लिए आपस में बदाबदी मचा रहे हैं। पर उनसे घिरी वह कहती है, आओ कौ आओ। जब वे आ जाते हैं तो गाती है, कागा चुन चुन खायो, और जब जाने कहाँ कहाँ के कौए इकट्ठे के इकट्ठे काऊ काऊ करते हुए चुन चुन कर खाने लगते हैं, और फिर भी खाओ खाओ करके उससे भी ज्यादा मांगने लगते हैं, तब वह चीख मचा कर चिल्लाती है कि ओरे कागा, नहीं ये तो नैना मत खायो, मत खायो। पीयू मिलन की आस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।